रात्रि विगत दिवस जैसी समाप्त हुई, अगला दिन आया है। प्रातःकाल जनकराज महाराज ने शतानंद जी से मंत्रणा की और आज का दिन अब स्वयंवर का पावन अवसर है। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी को संकेत मिला, सूचना मिली। गुरुदेव राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, चलकर देखते हैं भगवान किसको प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, प्रभु जिस पर आपकी कृपा होगी उसी को प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। देखिए, सदगुरु की कृपा जिस पर हो जाए, अरे राम राम, क्या कहना, आनंद ही आनंद हो जाए। गुरु कृपा ही केवलम, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सदगुरु अपनी तपश्चर्या और साधना को शिष्य के लिए समर्पित कर देते हैं, तो जो उनको नहीं मिलता उनकी तपश्चर्या का परिणाम शिष्य को प्राप्त होकर उसके जीवन में ऐश्वर्य और प्रभु कृपा अपने आप स्फुरित होने लगती है। ये अनुभूति का विषय है, लिखने का विषय नहीं। स्वयंवर स्थल पर बिहारे प्रसंग बहुत विस्तृत है। ये पूरा प्रसंग दो दिन की कथा है, सरकार की सन्निधि है, इसलिए मैं संक्षिप्तता इसको लेकर चल रहा हूँ। आइए, स्वयंवर स्थल पर बधारे जनकराज महाराज ने कहा शतानंद जी प्रभु से, आप ऋषिवर को लेकर के राजपुत्रों के साथ बधारे, हम वहाँ व्यवस्था संभलवाते हैं। कुशध्वज जी महाराज और शीरध्वज जी ने सुंदर व्यवस्था का निरीक्षण किया है। विश्वामित्र बाबा को लेकर शतानंद जी बधारे हैं। अब मेरे सरकार जब आए गुरुदेव भगवान के संग में, तो दर्शनीय स्थल है। भगवान और मुनिवर को देखकर जनकराज महाराज, तो क्या उनके स्वजन परिजन, अरे वीर भाभी भागवत जन और राक्षस लोग जो नकली राजा का स्वरूप धारण करके आए थे, ये सब भयग्रस्त हो गए, भगत लोग आनंदित हो गए। बाबा ने एक पंक्ति लिखी, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन दे, सब मंचन ते मंचयक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तो बंधु तब बैठाए। जनक जी के स्वजनों को परमात्मा अपने पुत्र जैसा भास रहे हैं, भागवतों को भगवान का दर्शन हो रहा है, वीरों को वीर भाव का दर्शन हो रहा है। राक्षस लोग जो राज वेश में आए थे, छद्म वेश धारण करके, उनको अपने काल का दर्शन हो रहा है। विद्वानों को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा है, लीला में लोग दर्शन कराते हैं, नाना स्वरूप में दर्शन भगवान दे रहे हैं। प्रेम को प्रेम का दर्शन हो रहा है, नेम को नेम का दर्शन हो रहा है। जैसी दृष्टि सरकार वैसा ही सबको दिख रहे हैं। बैठ गए राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव के साथ में, बैठ गए ऊंचे मंच पर। तब तक सदानंद जी की आज्ञा हुई, सखियां मेरी माँ को सिया, जो के हाथ है जय मालो मंगल गीत गाने प्यारी सखिया, जो के हाथ है जय मालो मंगल गीत गाने प्यारी सखिया, प्यारी सखिया प्यारी सखिया मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, जिनके हाथ जय मालो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहन बल तन सुंदर सारी, सोहन बल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुल छवि भारी, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। अब मेरी माँ का दर्शन हुआ, रंग भूम जब सिय पगधारी, देख रूप जितने स्त्री पुरुष से सबको माँ ने मोहित कर दिया। और जब जीव मोहित हो जाता है तो उसकी गति बाधित हो जाती है, उठना चलना हिलना डुलना सब अपने हाथ में नहीं रहता, हाथ पराए हो जाता है। अब सुनैना माँ के बगल में सखियों ने माँ को पधरा दिया। आज्ञा हुई जनकराज महाराज की,
सतानंद जी ने निर्देश दिया, जो बंदीजनों के लिए आज्ञा किया था महाराज ने, महाराज की प्रतिज्ञा सबको सुनाइए। बंदीजन खड़े हो गए, दीप दीप के राजा महाराजाओं, हमारे महाराज श्री मिथिलापति ने जो प्रतिज्ञा ठानी आप सब लोग सुन सुन कर आए। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में इस पिनाक को जो खंडित करेगा उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी, और हमारे महाराज की लाडली जू श्री जानकी जी उनका वर्ण करेंगी, बिना विचारे वर्ण करेंगी। इतना संकेत मिलते सारे राजा अपने स्थान पे खड़े हो गए। सबको ये तीव्रता है कहीं हमारे पहले न कोई तोड़ डाले। ये राजा जब खड़े हुए तो इनके इष्ट देवताओं ने इनको देख करके कहा कि अरे कहां जा रहे हो, सरकार विराजमान है, भगवान का दर्शन करो, शांति से उत्सव का आनंद लो। नहीं, जो व्यक्ति स्वभाव से उत्पाती होता है, कोई बड़ा बैठा हो, गुरु जी बैठे हो, संत बैठे हो, पिताजी बैठे हैं, लेकिन उसका उत्पाती स्वभाव मानता नहीं है, तो जिसको कुछ करना है करेगा, कहना होगा कहेगा, ये चले, लेकिन टूटना तो दूर, कोई तिल भर धनुष को हिला तक नहीं सकता। सब राजाओं ने मिलकर बैठक बनाई, कहे चलो मिलकर तोड़ते हैं, सब लोग मिलकर तोड़ेंगे। बाबा ने पंक्ति लिखी, भूप सहस दस ये कही बारा लगे उठावन टरई न गगई न शंभु सरासन के कामी वचन सती मयुंते सब नृप भय जो गौपहासी जय से बिनु गया विसन्या। सारे राजा सिर झुका के अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब मिथिलापति व्याकुल होकर खड़े हुए और कहने लगे, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुन कर आए हो। देवता तो क्या, मनुष्य तो क्या, दैत्य भी सुंदर स्वरूप में यहां पर उपस्थित हैं, धरती के जितने वीर हैं सब हाजिर हैं। अब धरती के जितने वीर सुनकर के लक्ष्मण जी महाराज थोड़ा कलबलाए, मेरे सरकार को देखे, सरकार ने कुछ कहा नहीं। जनक राज बोलते भाई, कन्या सुंदर कृति वरण योग्य, लेकिन लगता है भगवान ब्रह्मा ने इस कृत के वरण करने योग्य धरती पर किसी को जन्म दिया ही नहीं है। कहिए क्या आप में से किसी को हलाब अच्छा नहीं लगा, कोई भी भगवान शिव के पिनाक को तिल भर हिला तक नहीं सका। अभी उठाता हूँ, तोड़ता हूँ, प्रतंचा चढ़ाता हूँ, अरे छोड़िए, किसी से धनुष तिल भर हिला भी नहीं, आज से कोई माख नहीं करेगा, हम वीर हैं। अब जन को माख है भटमान वीर विहीन मही बैठे बैठे क्या तमाशा बन रहे हैं, आसरा छोड़कर सब लोग अपने अपने घर जाइए। यदि मैं आज प्रतिज्ञा त्यागूं तो हमारे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे, कन्या कुमारी रहे इसके अन्यथा मैं कर भी क्या सकता, लेकिन मैं जनक यदि जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके जगत में अपनी हंसी खराब नहीं करा। जनक जी की ये दूसरी बार जब आई धरती पर कोई वीर नहीं है सुना लक्ष्मण जी ने तो हद हो गई, मंच से कूद पर चढ़ गई, माख चढ़ गई, नेत्रों में मानो वीरत्व का रक्त अवतरित हो गया है, शरीर थरथरा गया। ठाकुर श्रेष्ठ हैं, गुरुदेव भगवान उपस्थित हैं, एक बार दूसरी बार जब हुआ लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, अपराध के लिए क्षमा मांगा और कहा, प्रभु रघुवंशी एक भी किसी सभा में उपस्थित हो जिस प्रकार जनकराज ने कहा कोई कह सकता नहीं, आप कह रहते कही जनक जस अनुचित वाणी, जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, सुनहु बान कुल पंकज बानो, सुनहु बान कुल पंकज बानो, सुभावन कछु अभिमान।
जीव ब्रह्मांड उठावो ब्रह्मांडे घट जिम्मेदार महिमा भगवान तब प्रताप महिमा भगवान तो बापुर पिनाक पुराना तो बापुर पिनाक पुराना नाथ जानी असयाय सो नाथ जानी असयाय सो करो बिलोकिय सो करो बिलोकिय सो कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ जन सन प्रवान ले आओ जन सन प्रवान ले जनक जी ने जैसी वाणी कही ये सर्वथा अनुचित है। आपके रहते आज्ञा हो मेर को मूली की भांति ब्रह्मांड को कच्चे खड़े की भांति कमल की नाल को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर दे धनुष को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्रप को जैसे बच्चे रौंद देते धनुष को रौंद दूंगा। आपके भरोसे आपके प्रताप से न करूं आज से धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी गर्जे मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए। लखन सको अपनी धुरी पर कलमला उठे। लक्ष्मण जी को भगवान ने धीरे से देखा और धीरे से लाड़ से कहा सयन ही रघुपति लखन प्रेम समेत इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।